वेलकम टू एस जी इंसेप्शंस। मैं हूँ इस वक्त भोपाल मध्य प्रदेश में। यहाँ पर एक बड़े ही पैशनेट हॉबीस्ट है जिनके पास एग्जॉटिक फिश है और बड़े ही अमेजिंग से रेप्टाइल्स हैं। तो देखिए, इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत वे में इनका सेटअप बनाया हुआ है। सारे बॉल पाइथन्स आप फ्रंट में देख सकते हो। टू ऑल द बॉल पाइथन लवर्स एंड रेप्टाइल लवर्स, हियर इज़ अ ट्रीट टू द आईज, प्रेजेंटिंग बिफोर यू ऑल द बॉल पाइथन्स दैट आर अवेलेबल एट मिस्टर अभिषेक्स हाउस। ये सारे इनके पर्सनल पेट्स है, कोई भी पाइथन इसमें से सेल के लिए नहीं है। तो इन्होंने प्रॉपरली हर एक पाइथन को अपने अपने एक एनक्लोजर में रखा हुआ है। हर एक पाइथन का अपना एक एनक्लोजर है, बट क्योंकि आपको प्रॉपरली हर एक पाइथन की पैटर्न, ब्यूटी, कलर ठीक से दिखाई दे, इसलिए हमने इन्हें इस बड़े से एनक्लोजर में ऐड किया है, ट्रांसफ़र किया है, ताकि आप सभी इनके ब्यूटी का आनंद उठा सको, इनके पैटर्न के मज़े उठा सको अपनी आँखों से। एंड लुक हाउ हेल्दी एंड हाउ गॉर्जियस दे आर ऑल लुकिंग। तो अभिषेक भाई, सच में कहना चाहूँगा, मेरा आज दिन बन गया ये आपके पाइथन्स को देखकर, और इनको ऐसे देखकर पूरे नेचुरल वे में ऐसा लग रहा है कि किसी जंगल में देख रहा हूँ मैं इनको। तो क्या कहना चाहेंगे, कितने पाइथन से आपके पास एट प्रेजेंट? अभी एट प्रेजेंट मेरे पास में टोटल 9 पाइथन्स है, और इसमें से हम देखेंगे कि मेनली जो अपने पास इंडिया में जो ब्रीड्स होती हैं इनकी बॉल पाइथन की, उनमें से वही सब बेसिक ब्रीड्स हैं सारे। इसमें ये जो है मेरे पास में रॉयल बॉल है, जो कि ये मेरा फर्स्ट पाइथन था, इसको मैं सबसे पहले लेकर के आया था। ये रॉयल बॉल की फीमेल है ये, और इसके बाद में फिर मैंने धीरे धीरे करके, फिर मेरे को मॉर्फ के बारे में पता चला, फिर मैं धीरे धीरे करके अरेंज करता गया इसमें से। फिर मेरे पास में आप यहाँ देंगे तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मेरे पास में रेयर जो चीज़ है वो है पिंटो पाइट जी। इसके बारे में प्लीज़ हमको बताइए, इसकी बॉडी पूरी वाइट है और बस इसके हेड के तरफ हमको पैटर्न दिखाई दे रहा है। हाँ जी, तो इसका ये पिंटो पाइट होता है, इसमें एक नॉर्मल पाइट भी होता है, उस पर क्या होता है वाइट पोर्शन रहता है और बाद में कहीं कहीं पे स्पॉट रहते हैं। तो बट इसमें ये पूरी बॉडी एकदम एक कलर वाइट है, और सिर्फ इसका ये जो चेहरा जो कि है ये नॉर्मल रॉयल बॉल की तरह इसका चेहरा है, और बाकी पूरी बॉडी इसकी वाइट है जी। अगली पाइथन कौन सी आप बताएंगे हमको? अगला अपने पास में एक ये बम्बल बी मुहावे बॉल पाइथन है। वाओ, हाँ जी, इसके देखेंगे बॉडी पे आप पैटर्न्स जी, इसी के कारण इसको बम्बल भी कहा जाता है। ओके, और ये मेरे पास में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, बट फिर भी 3-4 मंथ्स इसको हो गए हैं मेरे पास। ये देखिए इसके पैटर्न कैसे आ रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर जी। तो बहुत अच्छे पैटर्न्स हैं इसके, कलर भी, और ये थोड़ा सा मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं इस टाइप का भी कम देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली, हाँ जी, नहीं वाकई में आपने बड़ी खूबसूरती से इनको रखा है जी। दूसरा बाद में अपने पास में ये है, ये मुहावे बॉल पाइथन है। ओह यस, लुक एट द स्ट्राइकिंग पैटर्न। ये रिसेंटली अभी कली शेड किया हुआ है, तो इसका कलर बहुत अच्छा दिख रहा है अभी तो फिलहाल। डैम ब्यूटीफुल, हाँ जी। और फिर इसके बाद में ये बैठे हुए हैं। अच्छा, ये माशे कौन से? एक्चुअली ये सुपर पेस्टल है। ओके, ये हो गया सुपर पेस्टल हो गया, ये थोड़ा सा ये स्टैंगल्ड हो गया है। अच्छा, बाकी उसकी तरह। ओके, हाँ, ये सुपर पेस्टल है जी, ये गजब है। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा येलो कलर हाईलाइट होता है। okay. रॉयल की मतलब जो रॉयल होता है उससे हल्का सा इसका येलो कलर ज़्यादा उठ के आता है बस। अच्छा, ये इसकी खासियत है इसकी। और ये भी और बड़ा प्यारा है। इसके अलावा ये थोड़ा सा अभी ये शेडिंग पर है। okay. ये आने वाले 1-2 दिन में शेड कर लेगा। okay. तो इसलिए थोड़ा सा परेशान हो रहा है वो। okay. तो ये अपना रेड आई अल्बाइनो बॉल पाइथन है। अमेजिंग, देखेंगे आप। हाँ जी, और फिर इसके बाद में देखेंगे आप यहाँ पे हमारे पास में ये पिन स्ट्राइप बॉल पाइथन है। ओके, ये भी शेडिंग पर ही है अभी, और ये तो चल दिया था। वो एक एग्जिट मार दिए थे। हाँ जी जी, ये देखिए
पिन स्ट्राइप के बाद में पिंटो जी को पिंटो जी बाहर निकल गए थे। फिर ये हमारे पास बनाना है, वाओ बनाना बॉल पाइथन। इसमें आप देखेंगे इसके पैटर्न ऑलमोस्ट ऐसे बनाना टाइप्स आपको दिखेंगे इसके कलर। ओ जी, हाँ जी, ये देखिए आप बीच बीच में यहाँ पर। जी हाँ जी, ट्रूली इनक्रेडिबल। ये बनाना बॉल पाइथन हो गया। इसके बाद में ये रह गए थे हमारे जी ब्लू आई लूसी बॉल पाइथन। जी ये देखिए आईज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, दोस प्रिटी आईज। वाओ जी, तो ये हमारा लूसी स्ट्रिक बॉल पाइथन है, काफ़ी खूबसूरत है। ये सारे फिलहाल में अपने पास में बॉल पाइथन्स है जी। ये देखिए अभी सारे पाइथन्स आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आप सिर्फ जानना चाहूँगा कि इतने सारे पाइथन्स आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे मैनेज करते हो, बिकॉज आपके पास दूसरा भी काम होता है, तो कैसे आप हैंडल कर लेते हो? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये बॉल पाइथन्स जो हैं और ये एकदम कम मेंटेनेंस वाला जानवर है। ओके, इसमें बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं है। अपन को इनको 10 दिन में 15 दिन में एक बार इनको फीडिंग देने का होता है। ओके, और इसके अलावा हमें इनको फ्रेश वाटर देना रहता है, जो कि हम एक दो दिन में इनको दे सकते हैं चेंज करके। अच्छा, और इसके अलावा इनको बिल्कुल भी देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अच्छा, हाँ जी, तो बस सबसे लो मेंटेनेंस वाला जानवर यही मैं कहूँगा कि ये बॉल पाइथन ही है। अच्छा, इनका फीडिंग के बारे में बताएंगे, कितने वीक्स में लगता है इनको या कितने दिनों में? फीडिंग के लिए हम इनको वैसे तो हम वीकली इनको फीडिंग करा देते हैं। ओके, बट आप अगर नहीं अरेंज कर पा रहे हैं फीडिंग वीकली नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 10 दिन में भी देंगे, 15 दिन में भी एक बार फीडिंग देंगे, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जी। बाकी साइज़ पर डिपेंड करता है, क्या साइज़ की आप फीडिंग दे रहे हो और कितना साइज़ का बॉल पाइथन है, और उस पर जो बेबी साइज रहेगा तो उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको देने का रहेगा, और जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा तो फिर आप थोड़ा सा गैप उसमें ले सकते हैं। ओके, अब जैसे कि मेरे पास में बॉल पाइथन्स हैं लगभग ऑलमोस्ट सब 2.5 फीट अराउंड हैं ये, तो इनको मैं वीकली ही देता हूँ अभी फीडिंग। हाँ जी, अच्छा, आपकी जो सारे पेट्स है दीज आर ऑल रजिस्टर्ड, तो जो बॉल पाइथन पेट रखना चाहते हैं रख रहे तो उनको आप बताना चाहेंगे इस प्रोसेस के बारे में जो अभी मैंडेटरी हो चुकी है? हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये अफ्रीकन बॉल पाइथन है और ये अफ्रीका का ये सांप है, और इसमें रॉयल बॉल पाइथन होता है जो कि ये बेसिक मॉर्फ है इसका। इसके बाद में ये सब चीज़ें उसी से रॉयल से ही बनी हुई है, तो हम इसको मतलब अफ्रीका का सांप है इसलिए हम इसको इंडिया में पाल सकते हैं, ये लीगल है अपने इंडिया में, अपन इनको लीगल पेट कहेंगे। okay. लीगली आप पाल सकते हैं इनको, और इसके अलावा इनका रजिस्ट्रेशन होता है, इसका पोर्टल होता है परिवेश पोर्टल पे, इसका रजिस्ट्रेशन करके इनका लीगल डॉक्यूमेंट्स बनता है, जो कि ये सब मेरे पास में अवेलेबल है विद डॉक्यूमेंट, सारे स्नेक्स के डॉक्यूमेंट के साथ में ही अवेलेबल है मेरे पास में। बढ़िया, हाँ जी जी, तो अभी आप इस पाइथन को सोक करा रहे हैं, तो सोक करने का इम्पोर्टेंस, सोकिंग का महत्व आप बता सकते हो? सोकिंग का इनके लिए मतलब वीकली हम एक बार इनको सोकिंग कर सकते हैं, या दो बार या तीन बार भी कर सकते हैं, बट एक बार तो मस्ट है आपको, इसकी इनकी बॉडी के अंदर मॉइस्चर हो इसके कारण से हम इनको सोकिंग कराते हैं ये। ओके, हाँ जी, तो वीकली आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर करना ही है इनकी सोकिंग, और उसके अलावा आप अल्टरनेट डेज भी करें तो ज़्यादा अच्छा है, और नॉर्मल जैसे कि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो नॉर्मल वाटर में कर सकते हैं, और ठंड के टाइम में थोड़ा सा हम हल्का वार्म वाटर लेकर के इनको सोकिंग करा सकते हैं। राइट, हाँ जी, सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दीज ब्यूटिफुल वंडरफुल एंड इनक्रेडिबल बॉल पाइथन्स। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन विच बॉल पाइथन मॉफ यू लव द मोस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and have a wonderful day ahead.